बॉलीवुड का वो सितारा जिसकी मौत आज भी रहस्य बनी हुई है, वो सितारा जो जितनी तेजी से चमका उतनी ही तेजी से नीले आसमान से ओझल भी हो गया। आखिर कैसी रही होगी वो काली रात? क्या ये वाकई आत्महत्या थी? इस सवाल का जवाब तो खुद महाराष्ट्र पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई। 5 अप्रैल 1993 की उस रात को दिव्या खुश थी। अपनी डिजाइनर दोस्त नीता लूला के साथ दिव्या अपने ही फ्लैट में जश्न मना रही थी। नीता के अलावा वहां दिव्या की खुद की मेड यानी कि उनकी हेल्पर भी मौजूद थी। दिव्या ने अपनी हेल्पर से खूब सारी बातें की। उसी रात को दोस्त के साथ दिव्या ने शराब भी पी, लेकिन फिर अंदर ऐसा क्या हुआ, कैसे 5 माले की मंजिल से दिव्या का पैर फिसल गया? क्या वो शराब का नशा था या फिर कोई खौफनाक हादसा? मामले की तहकीकात करते हुए शक की सुई दिव्या के पति साजिद पर भी पहुंची, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण पुलिस की तहकीकात का नतीजा कुछ नहीं निकला। इसके बाद सन 1998 से पुलिस ने तफ्तीश बंद की और भारती का केस क्लोज हो गया। अंधेरी के वेस्ट के वर्सोवा से तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से फिसलकर हुई दिव्या की मौत रहस्य रह गई। इन्हीं सब चीजों के बीच ज्यादा कुछ तो साफ नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि दिव्या भारती ने आत्महत्या नहीं की, क्योंकि अगर ये आत्महत्या होती तो दिव्या भारती मुंबई में 4 BHK फ्लैट क्यों खरीदती? अगर ये आत्महत्या होती तो दिव्या भविष्य के लिए 1 दर्जन से ज्यादा फिल्में साइन क्यों करती? इन्हीं सब के बीच बताया ये भी जाता है कि जिस खिड़की से दिव्या गिरी उसके नीचे असल में पार्किंग एरिया था, लेकिन उस अंधेरी रात को वहाँ एक भी गाड़ी पार्क नहीं थी। वहीं दिव्या की मेड किचन में थी तो उनकी दोस्त कमरे में टीवी देख रही थी। बस इसी जानकारी को ध्यान में रखते हुए दिव्या के फैंस उनके निधन को दुर्भाग्यपूर्ण हादसा समझ लेते हैं। मगर ये तो साफ है कि इस हादसे में बॉलीवुड ने एक चमकीले सितारे को खो दिया, एक ऐसा सितारा जिसकी चमक बीते कल भी थी और जिसकी चमक आज भी है। ऐसी ही थी 7 समंदर पार गाने से लोगों के जहन में बस जाने वाली अदाकारा दिव्या भारती।